जय हिंद दोस्तों। भारतीय सेना की तोपखाना रेजिमेंट में तैनात 43 वर्षीय नायब सूबेदार पूसाराम बजडोलिया शहीद हो गए, जिनका सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया। शहीद पूसाराम ईस्ट सेक्टर के में जलपाईगुड़ी क्षेत्र में तैनात थे, जहां महीने भर पहले वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका इलाज लखनऊ के कमांडिंग हॉस्पिटल में चल रहा था, जहाँ वे इलाज के दौरान रविवार को शहीद हो गए। सोमवार को तिरंगे में लिपटे उनकी पार्थिव देह उनके निवास स्थान राजस्थान के नागौर जिले के धोकलिया गांव पहुंची, जहां शहीद के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। तिरंगे में लिपटे शहीद को देख परिजनों का रो रो के हाल बुरा हो गया। चीख पुकार के साथ भारत माता की जयकार से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। शहीद की अंतिम विदाई में हजारों युवाओं ने बाइक रैली निकालकर शहीद पर पुष्प वर्षा कर शहीद को अंतिम विदाई दी। क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और आला अधिकारियों ने भी शहीद पर पुष्प चक्र अर्पित कर नर्म आंखों से अंतिम विदाई दी। शहीद का अंतिम संस्कार गांव में ही उनके खेत पर किया गया। शहीद पूसाराम को मुखाग्नि उनके इकलौते 12 वर्षीय पुत्र ने दी। सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद को अंतिम सलामी दी। शहीद का अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाज से किया गया और पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। Yeah.
ये कोई जलसा नहीं बल्कि एक शहीद को अंतिम विदाई देने की तस्वीरें हैं। सड़क के किनारे कतारों में खड़े लोगों की आंखें नम हैं। तोपखाना रेजिमेंट में नायब सूबेदार पूसाराम जलपाईगुड़ी में तैनात थे। एक इंजरी के बाद लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में उनका महीने भर इलाज चला, जहां रविवार को उन्होंने अंतिम सांसें ली, जिसके बाद तिरंगे से लिपटा उनका पार्थिव शरीर नागौर स्थित उनके पैतृक गांव धूकलिया लाया गया। यहां हर किसी ने अपने जयकारे के साथ उन्हें आखिरी सलाम किया। शहीद का सलामी देगा।